सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में जो है जानवरों के नाम, जो कि जंगली जानवर हैं उनके नाम पढ़ेंगे। तो आप सभी जंगलों में रहने वाले जानवरों को भली प्रकार से जानते होंगे, या आप सभी जो है चिड़ियाघर जरूर गए होंगे। वहाँ पर आपने जंगल का राजा शेर जरूर देखा होगा, हाथी, घोड़े, लोमड़ी, ये सब आपने जरूर देखे होंगे। तो चिड़ियाघर में जो है ये सभी जानवर जो है पाए जाते हैं, और आपने वहाँ पे इन्हें जरूर देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं जानवरों के बारे में और उनके नाम के बारे में जो है पढ़ेंगे। अगर आप आज तक जो है चिड़ियाघर नहीं गए हो, तो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करना कि वो इस बार गर्मी की छुट्टियों में आपको चिड़ियाघर ज़रूर लेकर जाएं। तो चलिए अब हम अपना जो है यह पाठ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले अभ्यास कार्य में आपको ऊपर जो है जानवरों के नाम दिए गए हैं, जो कि किसे क्या करना पसंद है, मतलब कौन सा जानवर क्या करता है, वो आपने उसके बारे में लिखना लिखा हुआ है, उसके आगे उसका नाम लिखना है। तो पहला है, पहले जो है आपको ऊपर क्या दिए गए हैं जानवरों के नाम, जो कि हैं खरगोश, मोर, हाथी, तितली, बंदर। तो पहला है, मुझे कलाबाजी खाना पसंद है। तो कौन सा जानवर है जो कलाबाजी खाता है? बंदर। तो यहाँ पे आप पहले में लिखेंगे कि मुझे कलाबाजी खाना पसंद है, बंदर। तो किस जानवर का नाम आएगा? बंदर का नाम आएगा। दूसरा, मुझे गाजर खाना पसंद है। तो गाजर खाना किसे पसंद है? ऊपर देखिए, खरगोश को, मोर को, हाथी को, तितली को या बंदर को। तो ये तो आप सभी जानते हो कि गाजर खाना किसे पसंद है? खरगोश को। फिर है तीसरा, मुझे डांस करना पसंद है। तो डांस करना किसे पसंद है? हाथी को। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाथी। फिर है, मुझे पंख फैलाकर नाचना पसंद है। तो पंख फैलाकर कौन नाचता है जब बारिश आती है, बादल होते हैं काले काले, तो कौन है जो पंख फैलाकर नाचता है? मोर। तो यहाँ पे किस पक्षी का नाम आएगा? मोर का। फिर है, मुझे बाग में उड़ना पसंद है। बागों में फूल के ऊपर कौन उड़ती है? तितली। तो यहाँ पर जो है तितली आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जानवर दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए कि उनको क्या पसंद करना है। तो आपने उनकी ये क्रिया को देखते हुए उनके नाम जो है यहाँ पर लिखने हैं कि किसको क्या करना पसंद है, उसके आगे उसका नाम लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और आप इसे अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर है दूसरा अभ्यास करें, इसमें चित्र पहचान कर सही नाम लिखना है। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपने उस चित्र के नीचे जो रेगिस्तान है वहाँ पर उस का नाम लिखना है। ऊपर जो दिए गए हैं उनके नाम इस प्रकार दिए गए हैं, शेर, बंदर, खरगोश, मोर, चिड़िया, हिरन, मगर। तो पहला चित्र किसका है? शेर का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेर। इसी तरह दूसरे अंक के आगे किसका चित्र बना है? हिरन का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिरन। फिर तीसरे अंक के चित्र क्या, चित्र में क्या है? मगर। तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे? मगर। इसी तरह चौथे अंक के आगे किस पक्षी की फ़ोटो है? मोर की, जो पंख फैलाकर नाच रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर से देखकर? मोर। इसी तरह पांचवें चित्र में क्या दे रखा है? चिड़िया।
इसी तरह छठे चित्र में क्या दे रखा है, खरगोश, जैसा कि अभी हमने देखा था कि खरगोश क्या खाता है, गाजर, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, खरगोश। फिर सातवें नंबर के आगे क्या दे रखा है, बंदर, जो कि पेड़ पर झूल रहा है, कलाबाजी खाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बंदर। तो आपने देखा कि इन चित्र के नीचे हम इन जानवरों के नाम जो हैं लिखेंगे, पहले उन्हें पहचानेंगे और ऊपर से देखकर उनके नाम हम नीचे लिखेंगे। फिर है एक जंगल का चित्र आपको दिया हुआ है, उस चित्र में जगह जगह पर आपको कुछ जानवर दिए गए हैं, आपने इन जानवरों को ढूंढना है और उनके नाम लिखने हैं और ये नाम आपको अपने आप से लिखने हैं। जैसे कि आपने जंगल में क्या देखा, शेर, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शेर। फिर मोर नाच रहा है, फिर आप मोर का नाम लिखेंगे। उसके बाद घास के अंदर क्या बैठा है, खरगोश, तो आप यहाँ पे खरगोश का नाम लिखेंगे। इसी तरह पानी के अंदर कौन है, मगर, तो यहाँ आप मगरमच्छ का नाम लिखेंगे। इसी तरह पानी के अंदर जो पेड़ है उसके अंदर कौन बैठा है, उसके ऊपर तेंदुआ बैठा है, तो आप यहाँ पर तेंदुआ लिखेंगे। ये जो अंक दे रखे हैं आप यहाँ पर इन जानवरों के नाम लिखेंगे। इसी तरह पेड़ के पीछे क्या है, हाथी, तो आप हाथी का नाम भी लिखेंगे। जिराफ, जिराफ का नाम भी लिखेंगे। उसके बाद क्या है पेड़ के ऊपर, चिड़िया, तो चिड़िया का नाम लिखेंगे। तोता, तोते का नाम लिखेंगे। घास के पीछे कौन बैठा है, हिरन, तो हिरन का नाम लिखेंगे। इस तरह आपको जो भी इस चित्र में दिख रहे हैं आप उनके नाम इन अंक के आगे लिखेंगे। फिर है आपकी अगली एक्सरसाइज, इसमें आपने जानवरों के चेहरे पहचानने हैं कि कौन कौन से जानवर के चेहरे आपको इसमें दिख रहे हैं और उनके नाम जो हैं ऊपर से चुनकर इस चित्र में लिखने हैं, जो रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं उसमें आपने लिखने हैं। जैसे कि पहला है शेर दिख रहा है, भालू, बैल, तो आपने ऊपर से इनके नाम छाटने हैं और यहाँ पर जो जो आपको दिख रहा है उनके नाम यहाँ पे लिखते जाने हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको इन जानवरों के नाम ज़रूर याद हुए होंगे, तो आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और ये कार्य कर मुझे भेजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।